करने की बात कही है, इसको कहा है भारतीय जनता पार्टी किस नजरिए फिर देखती है? आईडी मेरी लोग करीब अमरदीप थोड़ा उधर करो ना। कांग्रेस ने जो कुछ कहा है वो वैसे भी बहुत पुराना हो चुका है और वो पूरा असत्य भर्षण है। ठीक वैसे ही जैसे पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था कि हम कर्ज माफी कर देंगे और बेरोजगारों को भत्ता देंगे, ना कर्ज माफी हुई ना बेरोजगारी भत्ता दिया। और अब फिर चुनाव आ गया है तो सिर्फ झूठ का ही सहारा लेकर वो वैतरणी को पार करना चाहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता इस बार उनको पार नहीं होने देगी। क्या शिवराज सिंह एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का सीएम चेहरा होंगे? भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व वाला दल है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। शिवराज सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर अभी तक कोई केंद्रीय मंत्री ने कुछ बयान नहीं किया, इसके पीछे की वजह क्या है? मैं समझता हूँ कांग्रेस वाले अगर ये पूछें तो ध्यान में आता है, लेकिन आप ये पूछो तो आश्चर्य इसलिए लगता है कि आपको मालूम होगा मणिपुर की घटना के बाद 3 दिन गृह मंत्री मणिपुर में रहे। उन्होंने प्रभावित लोगों से भी बातचीत की, कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की और जो आवश्यक मदद देनी चाहिए वो मदद भी दी है और प्रधानमंत्री स्वयं उस पर वक्तव्य दे चुके हैं। लगातार पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा छोड़ के कांग्रेस में जाने नहीं जा रहा भैया, ब्रह्मा का काम कहां से करा रहे हैं? नहीं चाहेंगे। देखिए जो जा अगर ठीक से विश्लेषण करो तो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है तो वो दिखाई नहीं देती। और आज पूरे मध्य प्रदेश में अगर आप जाकर देखोगे तो मध्य प्रदेश की जनता यह मानती है और आप सब लोग भी इस बात के साक्षी हो कि 2003 में ये राज्य गड्ढों वाला राज्य था और अंधेरे वाला राज्य था। भारतीय जनता पार्टी ने गड्ढे में से इसको निकाला और अंधेरे में से इसको निकाला और आज मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है। जीडीपी में देखो तो मध्य प्रदेश आगे है, मातृ शिशु मृत्यु दर में देखो तो आगे है, जन कल्याण में आगे है, विकास में आगे है, स्वास्थ्य में आगे है, शिक्षा में आगे है। मध्य प्रदेश का सर्वांगीण विकास 2003 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बीच में कुछ समय कांग्रेस की सरकार आई थी 1.5 साल के लिए, उस समय क्या बदतर स्थिति कांग्रेस के लोगों ने की है, मध्य प्रदेश की जनता इसे भूली नहीं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।